शॉपिंग करी है, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ये हाँ शॉपिंग मेरी है, मेरी है। So, what's up चीतो, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो अपना विशाल बूम। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है यार, मैंने KTM बाइक ली थी और किस पर्पस के लिए ली थी वो भी आपको मैंने उस व्लॉग में बताया था। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा ना भाई, जाके देख लेना। तो आज का व्लॉग किस चीज के ऊपर है भाई? आज चल रहा हूँ मैं बाइक के रिलेटेड ही कुछ सामान खरीदने के लिए, जैसे टूरिंग बैग होते हैं, काफी सारी चीजें हैं वहां पर, देखते चल के क्या रेट में मिलती है। तो अपने साथ एक बंदा हुआ करता था, आपने पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे कई सारा, वो छिजोरा सा लड़का। तो वो गया हो भाई अभी केदारनाथ के लिए घूमने के लिए, वो गया केदारनाथ। तो आज व्लॉग हमें खुद अपने आप करना पड़ेगा, कोई कैमरा मैन नहीं, सारा सेल्फ करना है ऐसे ऐसे। सो व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। तो हम चलते हैं, वो केदारनाथ से आएगा तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। हमारी जो ट्रिप होने वाली है ना भाई, घातक होने वाली, बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है। फर्स्ट ट्रिप करूंगा और बहुत ही लंबी करूंगा, क्योंकि बाइकिंग में मेरा एक्सपीरियंस ये कह लो मजेदार है। तो वो ट्रिप के लिए आज पूरा सामान खरीदने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या लेते हैं, क्योंकि गोप्रो भी लेना है, माइक भी लेना है। आज तो गोप्रो शायद नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम मेरे पास है नहीं, ऑलरेडी 2 बज चुके हैं और पोस्टते पोस्टते 3 बज जाएंगे, फिर आते आते चांदनी चौक में जा नहीं पाऊंगा। वो ब्लॉग मैं सेपरेट बनाऊंगा या जो भी लूंगा तो वो इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और जो भाई अभी चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे पीछे रेड कलर का पर्दा है ना, उसी तरीके से सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ आएगी भाई बेल आइकन, उसको दबा लेना, और उसमें भी ना ऑल कर लेना, क्योंकि ऑफिशियल पे कई बार होती है नोटिफिकेशन जाती नहीं है, ऑल कर लोगे सारी नोटिफिकेशन मेरी आपके पास आ जाएगी। सो ज्यादा भी ना बकचोदी के सीधा चलते हैं हम सुभाष नगर पैसिफिक मॉल में। सो गाइस, अभी निकल चुका हूं मैं घर से और अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। पता नहीं आपको देखने में इधर दिख रहा होगा या इधर दिख रहा होगा, डिस्प्ले में मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कहां दिख रहा हूं। बाकी आज का मौसम देख रहे हो कितना सेक्सी हो रहा है, ये देखो। अभी द्वारका पहुंचो, ये रही मेट्रो अपने पीछे, अभी द्वारका मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाला हूँ जस्ट। मौसम देखो भाई, गजब का मौसम हो रहा है कसम से। यही दिखाने के लिए मैंने फ़ोन निकाल लिया, मैंने कहा यार दिखाना ज़रूरी बनता है, और अपनी बाइक चीता। और KTM इसलिए नहीं लाया भाई, एवरेज कम है, यू नो सबको पता है कि KTM की एवरेज कितनी है। तो अभी इसको खींच लेते हैं और सीधे जल्दी पहुँचते हैं मेट्रो पे, क्योंकि कुछ यार दोस्त भी आ रहे हैं अपने साथ, वो भी मिलेंगे हमें और उनसे भी मिलवाऊंगा। तो राइट नाउ गाइस, अभी आ चुका हूँ डीकैथलॉन के अंदर। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज है। दोबारा व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले व्लॉग में ना उस वाले मानस ने थोड़ा बेकार कर दिया था। बाकी क्या दिखा रहा है यार, ये व्लॉग में दिखा क्या हो गया? तो बाकी कोई बात नहीं, और यहाँ पर तुम्हारे भाई को शॉपिंग करी है, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ये हाँ शॉपिंग मेरी है, मेरी है, मेरे देख रहे दिख रहा छाती पे कुछ, और जिसकी छाती पे दिख रहा है किसी तरह डरा। ठीक है भाई, रहने के हम रहने के तो कड़का मैं यूपी का भाई, ये इसके लिए भाई इधर ये इसके लिए यो यो पहन रहा है। साइज चेक करना सर, हेलो ऊपर करो, कैमरा ऊपर करो, साइज आ नहीं रहा है, ये उल्टा है सर, ढूंढ रहा साइज। ये क्योंकि ना आदमी वाले हैं तो इसलिए उल्टा आएगा, इसको उल्टा आ रहा है। तो अभी जो मैंने बैग लिया, क्या बता रहे हो? मैं इस वजह से आया था, मैंने देखा था नेट पे, अच्छा ये आदमी वाली जगह आ रही है, अच्छा उसके लिए आ गया था यहाँ पे। तो वो एक आदमी वाला कच्चा भी तो आया है। तो ऐसे बकचोदी कर रहे हैं, बाकी जो जो लूंगा वो आपको अपडेट करता रहूंगा। तो गाइस, अभी जो सबसे पहले मेरे को बाइक पसंद आया ना, देखो ये रहा पूरा डाल लिया इसका वाटर प्रूफ का, ये ऑरेंज कलर की जो पन्नी देख रहे हो ये वाटर प्रूफ के लिए है। बाकी जो बैग है ना वो इस तरीके का कुछ, ये रहा एक 55-80 भी है ये, बट ये 50 लीटर का है, तो 50 लीटर के हिसाब से देखो भाई, तुम्हारा भाई ने टांग लिया, बट हाइट थोड़ी छोटी लग रही होगी, बाकी कोई बात नहीं। अब सॉक्स वगैरह लेनी है, सॉक्स बाकी है, और एक छोटी सी ये बोल ली है इन्जॉय के लिए ट्रिप पे। तो गाइस, जो अपना सामान था लेना देना था वो सारा हमने ले लिया, इस बैग के अंदर पूरा पैक हो गया है। अब चलते हैं यार कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और यहाँ पर KFC है, बटर चिकन नहीं खाएंगे क्योंकि आज है वीरवार। और क्या खाएंगे और कहाँ जाएंगे? फ्राइडे भाई, फ्राइडे है, फिर खा लेंगे। पकड़ा हुआ, मैं पकड़ा गया, झूठ बोलता हुआ है, फिर खाएंगे, फिर तो खाएंगे। देखा जी, झूठ बोलना है, मैं नहीं दे रहा पार्टी, पैसे उसे नहीं है, मुझे इतनी दूर से बुला लिया, बता देखो बिल दिया कितने का बिल दिया, हम का पैसे खर्च करा दिए, 4600 कुछ रुपए का बिल आया है। अभी ये छोटा बिल है, इसके बाद एक और बड़ा बिल आएगा, अभी कल भी शॉपिंग होगी उसमें करीबन 40,000 रुपये की शॉपिंग होगी। और ये जा रहा है सीधा, निकल रहा है यहाँ से ट्रैकिंग के लिए, ऊपर जहाज लैंड हो रहा है पैसिफिक मॉल पे ना अभी, हाँ वहाँ पे हेलीकॉप्टर बुलाया, वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ देगा, अच्छा उसके बाद सीधा सीद्धा बस उसके बाद सीधा लद्दाख पहुँच जाएगा। सो गाइस, अब आ गए हैं बाहर, और ये यहाँ पर इसने ले लिया, क्या लिया तुमने? राजमा चावल, तेज नहीं बोल रहा, जान खत्म हो गई है। और मैंने लिया है लिट्टी के चोखे, बिहार की शान कहते हैं लिट्टी के चोखे, है ना? पहली बार खाएगा, मैं भी पहली बार ही खाऊंगा, बाकी इसको खाते हैं, अब चलेंगे सीधा घर, और क्या क्या लिया है वो आपको दिखाऊंगा। सोची तो अभी आ गया हूँ मैं अपने घर पे, और मैंने क्या क्या सामान लिया है वो आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो भाई,
एक ये राइनोक्स की जैकेट ली है जो कि मेरे को ट्रिप पे काम करने वाली है, और ये इसका हो गया भाई रेन चीटर, ताकि अगर बारिश हो तो इसको पहन लूंगा तो मेरे को अंदर तक पानी नहीं आएगा, और ये वार्मर अगर वहाँ पर ठंड होती है तो ये वार्मर पहन लूंगा। तीनों सेट इसी का होगा जो पड़ा मेरे को 7,500 रुपये का, और ये मैंने प्रोब राय करके कहीं से जुगाड़ कर लिया है भाई, क्या बताऊँ कहाँ से करे बस जुगाड़ हो गया है। और एक ये डिकैथलॉन से लिया है केचो का बैग जो कि पड़ा भाई 200 रुपये का, और ये सॉक्स लिए 200 रुपये की, दो सॉक्स ये ठीक है। और उसके बाद ये वाटरप्रूफ केस है इसका, मतलब कवर कह लो इसका बैग का। और इस बैग की भाई खासियत दिखाऊँ, इसके अंदर कितना सामान आएगा मैं खुद सोच के हैरान हूँ कि इतना सामान लेके कैसे जाऊँगा मैं। ये देखो अभी खोलता हूँ, बाकी कम भी डाल सकते हैं, बाकी मैं तो पूरा पैक करके लेके जाऊंगा। ये देखो स्पेस कितना ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। ये बैग लिया जो कि पड़ा भाई मेरे को 2,500 रुपये के अंदर। और एक ये डोमिनोज है, ये लोवर लिया मैंने, बहुत बढ़िया फिटिंग है इसकी, एक नंबर की। अगर आपको भी लेने हो, जैसे अगर आप एंकल लेंथ के लेने हो तो आप जाके ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया फिटिंग है, सिर्फ 1,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और अपना गोप्रो भी अब अपने पास आ चुका है, तो जितना भी ये सामान है ना जो मैंने लिया है ये सारा भाई मेरे को पड़ेगा 40,000 के अंदर। अब बस बचा भाई एक माइक अडेप्टर लेना है गोप्रो के लिए, अब वो जुगाड़ करेंगे या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है क्या नहीं करना वो सब देखते हैं, वो सब मैं इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, क्योंकि वो ऑल ओवर दिल्ली में भी अवेलेबल नहीं है। अमेजन पे भी चेक कर दो, अमेजन पे भी अभी अवेलेबल नहीं है, किसी भी साइट पे अवेलेबल नहीं है। अभी एक आई स्टूडेंट करके एक वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, वो 5 दिन में देगी। तो बट मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना है यहाँ से, और अभी KTM की सर्विस भी करवानी है, तो शायद नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो आपको KTM की सर्विस का ही मिलेगा। तो इस व्लॉग को यार यहीं पर खत्म करते हैं, कोई भी कन्फ्यूज होगी, वैसे कन्फ्यूजन तो कुछ होगी नहीं, जिसको भी अगर खरीदना होगा ट्रैकिंग का सामान आप डिकैथलॉन जाओ भाई, माउंटेनिंग के लिए बेस्ट सामान मिलता है वहां पर। तो इस व्लॉग को ऐसे खत्म करते हैं यहां पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और भाई को इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, ठीक है। बूम।